क्या आप आपके आईफोन पे ऐसे ही फुल स्क्रीन कॉन्टेक्ट पिक्चर सेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इसमें एक भी चीज मिस नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं iGeeks ब्लॉग हिंदी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी आईफोन में, आईफोन 11, 12, आईफोन 5S, 5C, आईफोन 6S, कोई भी आईफोन पे आप फुल स्क्रीन कॉन्टेक्ट पिक्चर कैसे सेट कर सकते हैं। काफी लोगों को ये मेथड पता ही नहीं है और काफी लोगों ने ये मेथड अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनके बावजूद भी वो आईफोन पे फुल स्क्रीन कॉन्टेक्ट पिक्चर नहीं आ रहा है। जैसे कि ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ये वीडियो आपको पूरी तरीके से देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट मेथड तो बताने वाला हूँ, उसके साथ ये भी बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपके आईफोन पे फुल स्क्रीन कॉन्टेक्ट पिक्चर नहीं आ रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्ट सेटिंग की, जो आपको आपके आईफोन पे चेंज करना है। आपके फोन के सेटिंग्स में जाइए, फोन में जाइए, यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फुल स्क्रीन सिलेक्ट कीजिए। अब आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में दबा दब कमेंट करोगे कि भाई ये सेटिंग तो मैंने सही तरीके से सेट की है, फुल स्क्रीन कॉन्टेक्ट पिक्चर ही मैंने यहाँ पर सेट की है, फिर भी मेरे मोबाइल पे, मेरे आईफोन पे वो फुल स्क्रीन कॉन्टेक्ट पिक्चर नहीं आ रहा है। पता है क्यों? जब आपने कॉन्टेक्ट पिक्चर जब आपने सेट किया, तब वहां पे एक छोटी सी जो ट्विक है उसका आपको ध्यान रखना है, वो शायद से आपने नहीं रखा है। चलिए आगे इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि वो आप सही तरीके से फुल स्क्रीन कॉन्टेक्ट पिक्चर कैसे सेट कर सकते हैं। जब भी आप किसी कॉन्टेक्ट का फोटो खींच रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वो फोटो पोर्ट्रेट मोड में खींचे, और ज्यादा परफेक्शन के लिए आपकी कैमरा ऐप में 4:3 की जगह 16:9 सिलेक्ट कीजिए। अब फोटो खींचने के बाद वो कॉन्टेक्ट को एडिट कीजिए, एड फोटो पे टैप कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे कैमरा से डायरेक्टली फोटो खींचने का, कोई एग्जिस्टिंग फोटो को सिलेक्ट करने का, या फिर इमोजी सेट करने का। तो हम यहाँ पर इमोजी तो सेट नहीं करने वाले, इमोजी भी फुल स्क्रीन सेट होती है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि हम कॉन्टेक्ट पिक्चर वो फुल स्क्रीन में कैसे सेट करें, राइट? हमने ऑलरेडी एक पिक्चर क्लिक किया हुआ है, तो फोटोज को सिलेक्ट कीजिए और मेक श्योर करिए कि वो फोटो फुल स्क्रीन में दिखे। काफी लोग उसको एडजस्ट करते हैं, क्रॉप करते हैं, सर्कल में मैच करते हैं, और यहाँ पर ही आप गलती कर रहे हो कि उसको आप क्रॉप करने जाते हो। क्रॉप करने के टाइम आप स्क्रीन पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हो, उसकी वजह से ही वो जब भी आपको कॉल, मतलब इनकमिंग कॉल आता है, वो टाइम पे वो बैनर पे ही दिखेगा, फुल स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। मेक श्योर कीजिए वो फोटो में कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस ना हो और वो पिक्चर जो है वो फुल स्क्रीन दिख रहा हो। नाउ टैप ऑन चूज, नेक्स्ट स्क्रीन पे आप इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से कोई इफेक्ट सेट करना चाहते हो, सेट कीजिए एंड टैप ऑन डन। ये सभी सेटिंग सही तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं तो श्योर हो चुका हूँ कि आपके आईफोन पे जब भी इनकमिंग कॉल आएगा वो फुल स्क्रीन में ही आएगा। और यहाँ पर एक बोनस टिप मैं देना चाहूंगा, जो आपकी ऐसी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो एक छोटा सा बटन, वो है सब्सक्राइब बटन, प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन सभी टर्न ऑन कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही ग्रेट वीडियोस बनाते हैं। और आपका भी यहाँ पर एक छोटा सा फर्ज बनता है, इस वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिसकी मदद से वो आपका भी एक अच्छा सा फोटोग्राफ अपने आईफोन पे फुल स्क्रीन कॉन्टेक्ट में सेट कर सकते हैं। और ऐसी अमेजिंग एवरीथिंग एप्पल के बारे में जानने के लिए हमारी ऐप iGeeks ब्लॉग जरूर डाउनलोड कीजिए, जो है 100% फ्री। नाउ अलाउ मी टू से गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।